तो गाबा को हमने लगा दिया भाई दुद्दू पे ना, आते क्या काम किया इसको खोल दिया कि ये दुद्दू पी ले। देखो यार यार गई है यार, प्लीज यार अब दोस्ती कर लो यार, अब क्या क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा। ये देखो यार कितने मजे से पी रहा है यार, मेरा भी दिल कर रहा मैं भी पी लूं, लेकिन ये पीने ही नहीं देती है, निकालने ही नहीं देती दूध पीने की, तो दूर की बात है भाई। गैया बुरी बात है ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं भाई? गाबा तो दूध पीने में लगा हुआ है और मेरा जो ना दिमाग ना घूम रहा है, क्योंकि अभी तक ब्रिक्स नहीं आई है, तो अभी मैं जाऊंगा और हो सकता है खुद ही लेके आऊं ब्रिक्स, ऐसी की रहती उसकी। यार काम शुरू करवाना है बेचारों को, गर्मी लग रही है, पानी चाहिए इनको भाई, पानी चाहिए इनको, हर हाल में चाहिए पानी। यार आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, लेकिन वो अभी नहीं दूंगा, पहले उनको तरक्कियाती काम करने दो भाई, ठीक है? उसके बाद ही वो गुड न्यूज आपको दूंगा। कुछ बर्ड्स हैं जो हमारे ना भाई फार्म के अंदर मतलब घर के अंदर जो है नेस्टिंग कर रहे हैं, और बहुत खूबसूरत बर्ड्स हैं, तो बनाने दो उनको एग, जब ले कर लेंगे ना तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन से बर्ड हैं। मैंने क्या किया यहाँ ना, पानी डाला है, ठीक है? वो देखो यार सारे नीचे आ गए पानी पीने के लिए, जबकि यार बर्तनों में भी पानी है, लेकिन वो खड्डे में ना हम डक्स के लिए पानी डालते हैं क्योंकि वो मट्टी में बहुत ज़्यादा खेलती हैं। वो देखो प्लम हेड की फीमेल देखो कहाँ से झांक रही है, अभी ये नीचे ही पानी में ना खेल रही थी यार, बहुत मजा आता है यार देखने में इनको। तो ये व्हाइट वाली ना अपने अंडे छोड़ के ब्राउन वाली के अंडों पर बैठ जाती है यार, बहुत गलत हरकत है। अभी मैं इसको शिफ्ट करता हूँ, इंतजार कर रही है देखो जब से, मैं उसको हटाता हूँ, बहुत बदतमीजी हो गई है ये, तूफान है बदतमीजी मचाई हुई है। अंडे कहाँ गए? ये देखो कितने छुपाए हुए थे, उठ जाओ, चलो शाबाश। उसकी जगह है वो, तुम्हारी जगह नहीं है, तुम्हारी जगह वो वाली है बदतमीज। का फुलका ना इनको खाना चलता ही रहता है, गेट बंद कर लूँ, अभी बाहर निकालने का कोई इरादा नहीं है इनको, ठीक है? और यार ये मुर्गी ना हमारी ये अंडों पे नहीं बैठ रही है भाई, आज मैं आया हूँ तो नहीं बैठी है अंडे के ऊपर, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो ये कुड़क। और यार इसको ना डॉगी ने भाई अटैक किया है, इसके यहाँ ना ज़ख्म हुआ हुआ है, और ये हाँ पर थी कल से, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तो आयतुल्लाह इसको भाई रेस्क्यू करके लाया है यहाँ पर, तो हमने कहा भाई ले आओ कोई बात नहीं, अब इसको हम अभी हमारी भाई मिनी जू की मेंबर है, इसका ना मेल ले आएंगे प्यारा सा, है यार बहुत प्यारी है, देखो है बहुत प्यारी। और इस शैतान को ना हमने कल बंद किया यार, क्योंकि ये खुला होता है तो कोई खाना नहीं खाता है, सारे ना दीवारों पे बैठ जाते हैं ऊपर, तो अभी इसको हमने बंद कर दिया है भाई। ओ लो भाई एक अंडा और मोर का आ गया है, तो भाई एक दो तीन और चार, अच्छा एक उसका भी है, पता नहीं किसका है वो। मैंने व्हाइट वाली को उठाई है ना उसकी जगह से उठाया है, तो देखो ब्राउन वाली अपनी जगह पे खुद ही बैठ गई है, ये बहुत बदतमीज़ है यार, बहुत बदतमीज़ है वाइट वाली ना, शुरू से बदतमीज़ है ये। दोस्तों फाइनली यार ब्रिक्स आ गई है कोई ना, अराउंड 300 करीब मैंने मंगा ली है, ठीक है? मतलब यार ये बड़ी वाली होती है, ये छोटी नहीं होती, ये देखो ये लाल वाली नहीं है, ये बड़ी मजबूत किस्म की ब्रिक्स मैंने मंगा ली है भाई, क्योंकि हमने बनाना है पीजन का केज और इनका पॉन्ड। और यार एक तो कल DM भी आया था कि फ़ज़ाहिर भाई ऐसा बना ले प्लास्टिक डाल के, यार पहले हमने बनाया था लेकिन मज़ा नहीं आया। और आपके भाई को ना असल में चाहिए ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि पानी जब गंदा होता है ना इसमें से निकालना अजाब बन जाता है ज़िंदगी का, तो यार ड्रेन हो जाए ना वो ज़्यादा अच्छा है, क्या बोलते हैं आप लोग? और इसको ना मैं बहुत मारने वाला हूँ, चलो अंदर। यार ये जो हमारी बत्तख है ना, ये वाली बत्तख, इसको अपने घर का रास्ता ही पता ही नहीं है भाई, उसका इंतजार करिए कि वो अंडों से हटे तो मैं बैठूं। ओ यार ये रहे इसके अंडे यार, पूरे मट्टी मट्टी में छुपा के गई है पागल। ये देखो यार ये पड़े अंडे, ये देखो, चलो अंडे दिखा देते हैं ना इसको, तो ये फिर खुद ही बैठ जाएगी आके अपने एग्स के ऊपर, पता नहीं किस तरीके से अंडों का हशर किया हुआ यार, बच्चे भी मट्टी वाले ही निकलेंगे। चुप, इससे चुप नहीं होना, तुम्हारे अंडे यहाँ हैं और तुम्हारे उधर हैं, उसका इंतजार कर रही है बैठ के। और यार भाई उस दिन मैं कल उसको बोल रहा था मैं अंडे दे रहा हूँ, उसको अंडे दे रहा हूँ, मैं थोड़ी दे रहा था अंडे यार, मुझे अंडे नहीं आते भाई। तो बहरहाल भाई अच्छा कमेंट था, मजा आया पढ़ के, ठीक है? तो अब मैं बताने वाला हूँ कि इन ब्रिक्स का हमने करना क्या है। एक तो यहाँ पॉन्ड बन जाएगा इन लोगों का, तो ये आराम से ना मतलब यार अभी इनको गर्मी लगती है तो पानी में चले जाएंगे, गर्मी लगी और ये पानी भरा तो इसके अंदर बैठे हुए थे जाके सारे। अरे यार सफेद बच्ची तुमने मुझे डरा दिया, लेट के ना ऐसा लग रहा मुझे कि तड़प रही है दूर से, लेकिन ये खांस रही है, क्या हो गया तुमको? रस्सी टाइट हो गई तुम्हारी क्या? नहीं रस्सी भी टाइट नहीं है। उठो उठो शाबाश उठो, क्या हो गया, ठीक हो? बुलाऊं डॉक्टर? मत खाया करो ना उल्टी सीधी चीज़ें जो खांसी लग जाती है,
मुझे तो लग रहा बुढ़ी हो रही है। नहीं यार, दो दांत की तो है ये। एक ना कमेंट मुझे बार बार आ रहा था, मुझे बिल्कुल वो कमेंट याद है कि अब तो ये फ्री हो गया, इसमें सिर्फ टैंगो आता है, ठीक है, टैंगो के लिए पानी भरा रहता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर कैटफिश ला के डाल दूँ, ठीक है, कुछ बच्चे शच्चे ला के डाल दूँ जो बड़े हो जाएँ बाद में, उनका ना हम रोज़ रोज़ खा लें। नहीं यार, पड़ी रहें अच्छी लगेंगी। कैटफिश ले आते हैं, कोई स्नैक हेड फिश ले आते हैं, वो इसके अंदर सर्वाइव कर जाएंगी। तो भाई बात ये है कि ब्रिक्स आई हैं, यहाँ पे हमने बनाना है पिजन केज, ठीक है, और कितना प्यारे प्यारे पिजन्स डालने हैं उसके अंदर। तो आप लोग कमेंट करो यहाँ अच्छा लगेगा। ये तो मैं अभी ये हटवा देंगे, असल में आयतुल्ला से ना खुला नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना स्क्रूज लगे हुए हैं तो इतनी आराम से खुलेगा नहीं। तो अभी कोशिश करता हूँ इसको खुलवा दूँ, आता है तो यहाँ यार बनाना है कुछ हट स्टाइल में ना पिजन का घर, और मतलब ब्रीडिंग बॉक्स ही होगा एक तरीके से, क्योंकि पूरा दिन तो खुले रहेंगे, गार्डन के अंदर घूमते रहेंगे और आएंगे भाई तकरीबन लका भी लेके आएंगे, लका तो हैं ऑलरेडी, और भी अच्छे वाले लका लाएंगे, जैकोबिन भी लेंगे, और वो पता नहीं कौन सा होता है यार कबूतर, वो भी लेंगे भाई, और कबूतर जा भी लेंगे। जब यहाँ से गुजर रहा हूँ ना, ठीक है, तो फ्रूटी ना मुझे देख रही होती है, देखो ये बैठ के मुझे देख रही है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में तुम्हारे पास, ठीक है। तो भाई रेती भी आ गई है भाई, इतनी सी आई है यार, बिल्कुल फ्लैट हो गया आई है। चलो मैं पता है इसको कहाँ उतरवा रहा हूँ, मैं रेती को भाई उतरवा रहा हूँ, गाड़ी रिवर्स होके इसके बीच में आ जाएगी तो यहाँ उतार देंगे रेती ना, क्योंकि और जगह तो हमें यूज़ होनी है। भाई इधर इधर उतारना, हाँ बीच में रिवर्स करके इधर ही ले आओ, तो बाहर से रिवर्स करके ले आते। चलो यार एक काम और हो गया, अब आनी है सीमेंट की बोरियाँ, तो वो हम हाथ के हाथ ले आएंगे ना यार, 6-7 ही तो आएंगी ज़्यादा ज़्यादा, और कितनी आएंगी वो अभी उतारने देते हैं इसको। यार मैंने भाई को बोला ना यहाँ उतार दो रेती, बीच में ना मसला हो सकता था, क्योंकि मेरे हिसाब से पूरी यूज़ नहीं होगी, ये बहुत सारी है, प्लस्तर भी करवाना है ना दीवारों को, अंदर वाली को करवाएंगे प्लस्तर, तो इधर सही है। हाँ यार इधर सही है भाई, इधर ही उतार दो यार, हाँ इतने में काम हो जाएगा यार, काफ़ी है। उतारो भाई उतारो भाई उतारो, काफ़ी देर से ना यार टूटी मुझे आवाज़ें लगा रही है। आ जाओ यार तुम मेरे पास, आ जाओ, छोड़ो छोड़ो, नाराज़ नहीं होते ना, नाराज़ नहीं होते। तो भाई ये आ गई मेरे पास, और यार ये मुझसे ना बहुत प्यार करती है ना, बहुत प्यार करती है ना तुम मुझसे, कितना प्यार करती हो, कितना प्यार करती हो, बहुत यार ये बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है। काफ़ी देर से मुझे ना आवाज़ें लगाई जा रही थी। तुम सारे कैसे हो भाई, ठीक हो? यार अभी मुझे जाना है, ठीक है, और यार मुझे जो ये वाली जिसके पाँव ख़राब हुए हैं ना ये लेके आनी है एक और, और यार ये जो बत्तख है ना इसका मैं नाम भूल गया, ये पिनटेल की बीवी नहीं है भाई, ये कोई अलग नस्ल है, उन्होंने अभी मुझे फ़ोन किया था कि फ़ज़ाहिर भाई आके इसकी फ़ीमेल ले जाएं, ये गलती से आपके पास आ गई है, ठीक है, मतलब ये गिफ्ट ही आई है, इसका मेल आने वाला है, इसका बहुत खूबसूरत मेल होता है, हो सकता है मैं तस्वीर लगा दूँ यहाँ पर, और इसकी फ़ीमेल जाके यार लेके आनी है, मुझसे गलती हुई कि मैंने इसकी फ़ीमेल शो कराई है ये, जबकि इसकी फ़ीमेल नहीं है पिनटेल की। तुम तो आ जाओ, आ जाओ शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दोस्तों जाते जाते ना मुझे एक ज़रूरी काम और करना है, ये वाइट वाली को इस केस से मुझे बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि यार उसको जाके डिस्टर्ब करिए, उसके अंडे निकालती है बैठ जाती है, अपने अंडों पर नहीं बैठ रही है। तो मैंने और आयतुल्ला ने ये फैसला किया कि इसको हम पकड़ेंगे और किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करेंगे जहाँ सिर्फ ये अकेली होगी, और वहाँ इसके एग्स रख देंगे, बाकी इसको बैठना है बैठे, नहीं बैठना इसकी मर्जी, हो सकता है कि बैठ जाए तो इसको बाहर निकालेंगे। यार ये वाकई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है उसको, तो इसके सारे अंडे मैं कलेक्ट करने वाला हूँ, यहाँ से 100 अंडे कलेक्ट करूँगा वापसी, इसकी जगह करेंगे चेंज भाई, सीधी बात है, बच्चे चाहिए मुझे नहीं दूंगे। चलो भाई चलो भाई, अभी शोर करती रहेगी, अपने अंडों पे नहीं बैठ रही भाई, अपने अंडों पे बैठ जाओ तो दिए मैं तुम्हें यार। चलो भाई चलो, कितने सारे अंडे रख दिए थे मैंने इसी नीचे, बहुत सारे रख दिए हैं सारे डक्स के ही, फिर भी शर्म नहीं आ रही इसको। चलो भाई अंडे, आयतुल्ला इसको पकड़ ले यार, ये मुर्गी वाले केज में रख रहा हूँ उसको, सही है
इसको उठा ले। हाँ इसको लेके आ जाओ। चलो भाई जब तक पकड़ के आ रहा है मैं जा रहा हूँ दूसरी जगह पर। चलो भाई गाबा साहब खुल गए। गाबा शाम में बहुत एंजॉय करता है भाई, बहुत एंजॉय करता है। तो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इधर अलग तमाशे चल रहे हैं। तो हट जाओ, कहाँ से आ गई हो। तो यार इसको ना यहाँ देते हैं अंडे, ठीक है, और इस केज के अंदर ही रहेगी फिर ये, बाहर ना दूसरों को डिस्टर्ब करेगी, काम खराब करेगी। भाई पैट्स रखना आसान नहीं है, सब कुछ देखना पड़ता है। ये लो भाई ये अंडे इसके है, रख दिए हैं अंदर 6-8-10 अंडे चाहिए भाई, 10 अंडे। हाँ अंदर रखो इसको, ये खुद ही बैठेगी अंडों पे, अब यहाँ से हिले ना अब ये बस। चलो भाई अंडे आ गए, और ये बत्तख को छोड़ दिया अंदर, मुर्गी निकालो ना बाहर। अरे यार ये पता है मुझे काटा इसने कल यहाँ पर, हाथ पे काटा है। बैठ जा बेटा अंडों पे, इसको ये बंद कर दो, इस चीज से ना बंद कर दो इसको। हाँ अटका दो कि कोई इसको डिस्टर्ब ना करे। तो भाई ये काम हो गया है, जाते जाते मैंने बोला था ना इसको अलग करूंगा, तो इसको अलग कर दिया है। तो भाई अब एक काम करो, फटाफट से जाके ना यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं कल मिस्त्री के साथ, या कुछ और चीज़ें भी लेके आनी है, ठीक है, तो वो दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो भाई अल्लाह हाफिज़ कह दो, टाटा बाय बाय।